सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़मन में सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं और करते रहते हैं, चाहे वो अपने आप को शिया हज़रात में से बताते हों या सुन्नी हज़रात में से बताते हों, ख्वाह वो इंजीनियर मिर्ज़ा जैसे लोग हों। अब देखें, जिन दो लोगों के दरमियान मामला है उनसे तो ज़रा राय पूछें कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आइए ज़रा देखते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में क्या कहते हैं और इस रिवायत के रावी कौन हैं। और ये किताब भी मैंने अहले तशय्यु हज़रात के हाथ से ली है, ये अहले सुन्नत वल जमात की किताब नहीं है। ये किताब का नाम है क़ुर्बुल इस्नाद, इसका सफ़ा नंबर 94, जैसा कि आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इसमें जो रिवायत आती है 318, इसमें इमाम जाफ़िर रिवायत करते हैं अन अबी ही, यानी अपने वालिद इमाम बाखिर अलैहिस्सलाम से, और वो रिवायत करते हैं इसको और बयान करते हैं कि अन्ना अलीयन अलैहिस्सलाम हज़रत अली करमल्लाहु वजहू अपने मद्दे मुकाबिल, उनके मद्दे मुकाबिल कौन था? हज़रत मुआविया। इसलिए कहा कि लम यकुन यनसुबु अहदम मिन अहलि हर्ब, वो अहल हर्ब कौन है, यानी जिनसे उनका मुकाबला था, जो उनके मद्द मुकाबिल थे यानी हज़रत मुआविया और उनके साथियों, इन में से किसी को भी वो मुशरिक और मुनाफिक नहीं कहते थे। लम यकुन यनसुबु अहदम मिन अहल हर्बतिन इला शिरकी वला इला निफाक, ना उन्हें मुशरिक कहते थे ना मुनाफिक कहते थे। वला किन्नहु कान यकूल, बल्कि मौला अली फरमाते थे हुम इख्वानुना, वो हमारे भाई हैं। ये मौला अली के अल्फाज हैं और अहले बैत बयान कर रहे हैं। क्या फरमाते हैं मौला अली? वो हमारे भाई और इनसे ज्यादती हो गई, बगौ अलैना। और ये जो किताब है इसके बारे में मैंने आपको बताया, क़ुर्बुल इस्नाद, इसके सफ़ा नंबर 94 पर ये मौजूद है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। किताब का आप फ्रंट पेज भी देख सकते हैं और आप सफ़ा नंबर भी देख सकते हैं। और इस किताब में हवाला दिया गया है कि ये रिवायत इस किताब में कहाँ से आई, उसका रिवायत का यहाँ पर मौजूद है कि नकलहु अल मजलिसी फिल बहार अल मुजल्लद अस्सामिन, आठवीं जिल्द अल बिहारुल अनवार से ली गई है, सफ़ा नंबर 426 से। तो बहरहाल मौला अली करमल्लाहु वजहू से जब इस ज़मीन में सवाल हो रहा है तो वो क्या जवाब दे रहे हैं? तो जिन लोगों के आपस का मामला था उनका तो आपस में ये मामला है, और हम मौला अली का नाम लेकर हम मौला अली से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए कि असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बारे में अपनी ज़बानों को दराज नहीं करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे ट्विटर के अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी आप हमारे एक से ज़ायद पेजेस हैं, एक इंग्लिश में एक उर्दू में, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं और इन और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।